सभी को, पूरे विश्व को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदगुरु और ईशा फाउंडेशन भी आज बधाई के पात्र हैं। मार्च में उनकी संस्था ने सेव सॉइल अभियान की शुरुआत की थी। 27 देशों से होते हुए उनकी यात्रा और 75वें दिन यहां पहुंची है। आज जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, इस अमृत काल में नए संकल्प ले रहा है, तो इस तरह के जन अभियान बहुत अहम हो जाते हैं। साथियों, मुझे संतोष है कि देश में पिछले 8 साल में जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सभी में किसी न किसी रूप से पर्यावरण संरक्षण का आग्रह है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान, या नमामि गंगे के तहत गंगा स्वच्छता का अभियान, वन सन वन ग्रिड, सोलर एनर्जी पर फोकस हो या इथेनॉल के उत्पादन और ब्लेंडिंग दोनों में वृद्धि, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे हैं। और भारत ये प्रयास तब तक कर रहा है जब दुनिया ने, आज जो क्लाइमेट के लिए दुनिया परेशान है, उस बर्बादी में हम लोगों की भूमिका नहीं है, हिंदुस्तान की भूमिका नहीं है। विश्व के बड़े और आधुनिक देश ना केवल धरती के ज्यादा से ज्यादा संसाधन का दोहन कर रहे हैं, बल्कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन भी उन्हीं के खाते में जाता है। कार्बन एमिशन का ग्लोबल औसत प्रति व्यक्ति 4 टन का है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन फुटप्रिंट प्रतिवर्ष 0.5 टन के आसपास ही है। कहां 4 टन और कहां 0.5 टन। बावजूद इसके भारत पर्यावरण की दिशा में एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ न केवल देश के भीतर बल्कि वैश्विक समुदाय के साथ भी जुड़ करके काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI और जैसे अभी सदगुरु जी ने कहा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA के निर्माण का नेतृत्व किया है। पिछले वर्ष भारत ने यह भी संकल्प लिया है कि भारत 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। साथियों, मिट्टी या ये भूमि हमारे लिए पंच तत्वों में से एक है। हम माटी को गर्व के साथ अपने माथे से लगाते हैं। इसी में गिरते हुए खेलते हुए हम बड़े होते हैं। माटी के सम्मान में कोई कमी नहीं है, माटी की अहमियत को समझने में कोई कमी नहीं है, इस बात को स्वीकारने में है कि मानव जाति जो कर रही है
उससे मिट्टी को कितना नुकसान हो रहा है उसकी समझ का एक गैप रह गया है। और अभी सद्गुरु जी कह रहे थे कि सबको पता है समस्या क्या है। हम लोग जब छोटे थे तो सिलेबस में किताब में पाठ्यक्रम के में एक पाठ पढ़ाया जाता था, गुजराती में मैंने पढ़ा है, बाकियों ने अपनी भाषा में पढ़ा हो शायद, कि रास्ते पर एक पत्थर पड़ा था, लोग जा रहे थे, कोई गुस्सा कर रहा था, कोई उस पर लात मार देता था, सब कहते थे देखिए किसने पत्थर रखा, कहां से पत्थर आया, दे समझते नहीं वगैरह, लेकिन कोई उसको उठा करके साइड में नहीं रखता था। एक सज्जन निकले, उनको लगा कि चलो भाई सदगुरु जैसा कोई आ गया होगा। हमारे यहां युधिष्ठिर और दुर्योधन के भेद की जब चर्चा होती है तो दुर्योधन के विषय में जब कहा जाता है तो यही कहता है कि जाना भी धर्म न से मैं प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूं लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं, सत्य क्या है मुझे मालूम है लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चल सकता। तो समाज में जब ऐसी प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो ऐसा संकट आता है तो एक सामूहिक अभियान से समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोजने होते हैं। मुझे खुशी है कि बीते 8 वर्षों में देश ने मिट्टी को जीवंत बनाए रखने के लिए निरंतर काम किया है। मिट्टी को बचाने के लिए हमने 5 प्रमुख बातों पर फोकस किया है। पहला, मिट्टी को केमिकल फ्री कैसे बनाएं? दूसरा, मिट्टी में जो जीव रहते हैं जिन्हें तकनीकी भाषा में आप लोग सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं उन्हें कैसे बचाएं? और तीसरा, मिट्टी की नमी को कैसे बनाए रखे, उस तक जल की उपलब्धता कैसे बढ़ाएं? चौथा, भूजल कम होने की वजह से मिट्टी को जो नुकसान हो रहा है उसे कैसे दूर करें? और पांचवा, वनों का दायरा कम होने से मिट्टी का जो लगातार क्षरण हो रहा है उसे कैसे रोके? साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही देश में बीते वर्षों में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो है देश की कृषि नीति में। पहले हमारे देश के किसान के पास इस जानकारी का अभाव था कि उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, उसकी मिट्टी में कौन सी कमी है, कितनी कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए देश में किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने का बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। अगर हम किसी को मनुष्य को हेल्थ कार्ड देना तो भी अखबार में हेडलाइन बन जाएगी कि मोदी सरकार ने कुछ अच्छा काम किया। ये देश ऐसा है जो सॉइल हेल्थ कार्ड दे रहा है लेकिन मीडिया की नजर अभी कम है। पूरे देश में 22 करोड़ से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए गए, और सिर्फ कार्ड ही नहीं दिए बल्कि देश भर में सॉइल टेस्टिंग से जुड़ा एक बहुत बड़ा नेटवर्क भी तैयार हुआ है। आज देश के करोड़ों किसान सॉइल हेल्थ कार्ड से मिली जानकारी के आधार पर फर्टिलाइजर्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कर रहे हैं। इससे किसानों को लागत में 8 से 10% की बचत हुई है और उपज में 5 से 6% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी जब मिट्टी स्वस्थ हो रही है, जब मिट्टी स्वस्थ हो रही है तो उत्पाद भी बढ़ रहा है।
मिट्टी को लाभ पहुंचाने में यूरिया की 100% निम कोटिंग ने भी बहुत फायदा पहुंचाया है। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने की वजह से, अटल भू योजना की वजह से देश के अनेक राज्यों में मिट्टी की सेहत भी संभल रही है। कभी कभी कुछ चीजें, आप मान लीजिए कोई 1.5-2 साल का बच्चा बीमार है, तबीयत ठीक नहीं हो रही है, वेट नहीं बढ़ रहा है, ऊंचाई में भी कोई फर्क नहीं आता है, और मां को कोई कहे कि जरा इसकी चिंता करो, और उसको कहीं सुना हो कि भाई स्वास्थ्य के लिए दूध वगैरह चीजें अच्छी होती हैं, और मान लो वो हर दिन 10-10 लीटर दूध में उसको स्नान करवा दे, तो उसका स्वास्थ्य ठीक होगा क्या? लेकिन अगर कोई समझदार मां एक एक चम्मच थोड़ा सा दूध उसको पिलाती जाए, दिन में 2 बार, 5 बार, 7 बार एक एक चम्मच, तो धीरे धीरे फर्क नजर आएगा। ये फसल का भी ऐसा ही है, पूरा पानी भर करके फसल को डूबो तो जैसे फसल अच्छी होती है ऐसा नहीं है, बूंद बूंद पानी पिलाया जाए तो फसल ज्यादा अच्छी होती है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। अनपढ़ मां भी अपने बच्चे को 10 लीटर दूध से नहलाती नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे हम लोग पूरा खेत पानी से भर देते हैं। खैर, इन सारी चीजों में बदलाव लाने के लिए कोशिश करते रहना है। हम कैच द रेन जैसे अभियानों के माध्यम से जल संरक्षण से देश के जन जन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस साल मार्च में ही देश में 13 बड़ी नदियों के संरक्षण का अभियान भी शुरू हुआ है। इसमें पानी के प्रदूषण कम करने के साथ साथ नदियों के किनारे वन लगाने का भी काम किया जा रहा है, और अनुमान है कि इससे भारत के फॉरेस्ट कवर में 7,400 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। बीते 8 वर्षों में भारत ने अपना जो फॉरेस्ट कवर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा बढ़ाया है, उसमें ये और मदद करेगा। साथियों, भारत आज बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी जिन नीतियों पर चल रहा है, उसने वन्य जीवों की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। आज चाहे टाइगर हो, लायन हो, लेपर्ड हो या फिर एलिफेंट, सभी की संख्या देश में बढ़ रही है। साथियों, देश में ये भी पहली बार हुआ है जब हमारे गांव और शहर को स्वच्छ बनाने, ईंधन में आत्मनिर्भरता, किसानों को अतिरिक्त आय और मिट्टी के स्वास्थ्य के अभियान को हमने एक साथ जोड़ा है। गोवर्धन योजना ऐसा ही एक प्रयास है, और जब मैं गोवर्धन योजना बोलता हूं तो कुछ सेक्युलर लोगों को सवाल उठेगा कि ये कौन सा गोवर्धन ले आया है, वो परेशान हो जाएंगे। इस गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट्स गोबर और खेती से निकलने वाले अन्य कचरे को ऊर्जा में बदला जा रहा है। कभी आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएं तो वहां एक गोवर्धन का भी प्लांट कुछ किलोमीटर दूरी पर लगाए, जरूर देख के आइए। इससे जो जैविक खाद बनती है वो खेतों में काम आ रही है। मिट्टी पर अतिरिक्त दबाव बनाए बिना हम पर्याप्त उत्पादन कर सके, इसके लिए बीते 7-8 सालों में 1600 से ज्यादा नई वैरायटी के बीज भी
किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। साथियों, नेचुरल फार्मिंग में भी हमारी आज की चुनौतियों के लिए एक बहुत बड़ा समाधान है। इस साल के बजट में हमने तय किया है कि गंगा के किनारे बसे गांवों में नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहित करेंगे, नेचुरल फार्मिंग का एक विशाल कॉरिडोर बनाएंगे। हमारे देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने सुना है, डिफेंस कॉरिडोर हमने सुना है, हमने एक नया प्रारंभ किया है गंगा के तट पर एग्रीकल्चर कॉरिडोर का, नेचुरल फार्मिंग का। इससे हमारे खेत तो केमिकल फ्री होंगे ही, नमामि गंगे अभियान को भी नया बल मिलेगा। भारत वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर जमीन को रिस्टोर करने के लक्ष्य पर भी काम कर रहा है। साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए आज भारत नए इनोवेशंस, प्रो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दे रहा है। आप सभी ये जानते हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए हम BS5 नॉर्म पर नहीं आए, बल्कि BS4 से सीधे BS6 पर हम जंप लगा दिया। हमने जो देश भर में LED बल्ब देने के लिए उजाला योजना चलाई, उसकी वजह से सालाना लगभग 40 मिलियन टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। सिर्फ लट्टू के बदलने से घर में, अगर सब लोग जुड़ जाए, सबका प्रयास कितना बड़ा परिणाम लाता है। भारत फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता को कम से कम करने का प्रयास कर रहा है। हमारी ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी हो, इसके लिए हम तेजी से बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। हमने अपनी इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से हासिल करने का लक्ष्य तय किया था। ये लक्ष्य भारत ने तय समय से 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। आज हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 18 गुना बढ़ चुकी है। हाइड्रोजन मिशन हो या फिर सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी का विषय हो, ये पर्यावरण रक्षा की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमने पुरानी गाड़ियों को लिए स्क्रैप पॉलिसी लाए हैं, वो स्क्रैप पॉलिसी भी अपने आप में बहुत बड़ा काम होने वाला है। साथियों, अपने इन प्रयासों के बीच आज पर्यावरण दिवस के दिन भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है, और ये मेरा सौभाग्य है कि खुशखबरी देने के लिए मुझे आज बहुत उचित मंच मिल गया है। भारत की परंपरा रही है कि जो यात्रा करके आता है उसको छूते हैं तो आधा पुण्य आपको मिल जाता है। ये खुशखबरी मैं आप जरूर सुनाऊंगा और देश को और दुनिया के लोगों को भी आनंद आएगा। हाँ, कुछ लोग आनंद ही ले सकते हैं। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आप
सबको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। मैं देश के लोगों को, देश के किसानों को, देश की ऑयल कंपनियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। साथियों, देश आज जिस पीएम नेशनल गतिशक्ति मास्टर प्लान पर काम कर रहा है वो भी पर्यावरण रक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। गति शक्ति की वजह से देश में लॉजिस्टिक सिस्टम्स आधुनिक होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा, इससे प्रदूषण कम करने में बहुत मदद मिलेगी। देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी हो, 100 से ज्यादा नए वाटर वे के लिए काम हो, ये सभी पर्यावरण की रक्षा और क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में भारत की मदद करेंगे। साथियों, भारत के इन प्रयासों, इन अभियानों का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है, ये पक्ष है ग्रीन जॉब्स। भारत जिस प्रकार पर्यावरण हित में फैसले ले रहा है, उन्हें तेजी से लागू कर रहा है, वो बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब के अवसर भी बना रहे हैं। ये भी एक अध्ययन का विषय है कि जिसके बारे में सोचा जाना चाहिए। साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए, धरती की रक्षा के लिए, मिट्टी की रक्षा के लिए जन चेतना जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना ही बेहतर परिणाम मिलेगा। मेरा देश और देश की सभी सरकारों से, सभी स्थानीय निकायों से, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से आग्रह है कि अपने प्रयासों में स्कूल कॉलेजेस को जोड़िए, एनएसएस एनसीसी को जोड़िए, आजादी के अमृत महोत्सव में जल संरक्षण से जुड़ा एक आग्रह और भी करना चाहता हूं। अगले साल 15 अगस्त तक देश के हर जिले में, कम से कम एक जिले में, हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर के निर्माण का काम आज देश में चल रहा है। 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवर आने वाली पीढ़ियों के लिए वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। ये अमृत सरोवर अपने आसपास मिट्टी में नमी को बढ़ाएंगे, वाटर टेबल को नीचे जाने से रोकेंगे और इनसे बायोडायवर्सिटी भी इंप्रूव होगी। इस विराट संकल्प में आप सभी की भागीदारी कैसे बढ़ेगी,
इस पर जरूर विचार हम सब एक नागरिक के नाते करें। साथियों, पर्यावरण की सुरक्षा और तेज विकास सभी के प्रयासों से, संपूर्णता की अप्रोच से ही संभव है। इसमें हमारी लाइफस्टाइल की क्या भूमिका है, हमें कैसे उसे बदलना है, इसे लेकर मैं आज शाम को एक कार्यक्रम में बात करने वाला हूं, विस्तार से कहने वाला हूं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मेरा कार्यक्रम है। लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, मिशन लाइफ, इस शताब्दी की तस्वीर, इस शताब्दी में धरती का भाग्य बदलने वाला एक मिशन का आरंभ। ये P3 यानी प्रो प्लेनेट पीपल मूवमेंट होगा। आज शाम को लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट के ग्लोबल कॉल फॉर एक्शन का लॉन्च हो रहा है। मेरा आग्रह है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सचेत हर व्यक्ति को इससे जरूर जुड़ना चाहिए, वरना हम AC भी चलाएंगे और रजाई भी ओढ़ेंगे और फिर पर्यावरण के सेमिनार में बढ़िया भाषण भी देंगे। साथियों, आप सभी मानवता की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। आपको सिद्धि मिले, सदगुरु जी ने जो लंबी ये यानी मेहनत वाली यात्रा है बाइक पे, वैसे उनका बचपन से शौक रहा है ये, लेकिन फिर भी काम बड़ा कठिन होता है, क्योंकि मैं कभी यात्राओं को ऑर्गेनाइज करता रहता था और मैं कहता था मेरी पार्टी में कि एक यात्रा को चलाना मतलब 5-10 साल उम्र कम कर देना, इतनी मेहनत पड़ती है। सदगुरु जी ने यात्रा की, अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है और मुझे पक्का विश्वास है कि दुनिया को मिट्टी के प्रति स्नेह तो पैदा हुआ ही होगा, लेकिन भारत की मिट्टी की ताकत का भी परिचय मिला होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।